अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिरयानी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त, आधा कप धनिया, आधा कप सौंफ, नमक हसबे ज़ायका, लहसुन प्याज ले लिया है। अब सभी चीज़ें कुकर में डालने के बाद पानी इतना डालेंगे कि गोश्त के ऊपर तक पानी रहना चाहिए, और 3 सीटी लगाने के बाद चेक करेंगे। मैंने ले लिए हैं 3 कप चावल, बनाने से आधा घंटा पहले इनको साफ़ करके भिगोएंगे। अब देखिए 3 सीटी के बाद अखनी हमारी तैयार हो चुकी है। बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, अब 1 प्याज ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है देखिए। अब मैं डालूंगी इसमें ये 1 टोमेटो, हरी मिर्च, गरम मसाला, इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस 1 ही मिनट फ्राई करेंगे। अखनी में से ये लहसुन प्याज 1 प्लेट में निकाल लेंगे। लहसुन का छिलका उतार कर दोनों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब इसी प्लेट में ये सारा गोश्त निकाल लेंगे। अब इसको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। आप मिर्च चीर कर डालें। अब हम इसमें पानी लगाएंगे। पानी हम अखनी का ही डालेंगे। अगर आपका पानी पकते हुए कम रह जाए तो आप और भी डाल सकते हैं। 3 कप चावल लिए हैं तो 6 कप पानी डालेंगे। देखिए पानी डाल दिया है। अब इसको पकाने के बाद चावल डालेंगे। देखिए पानी पक चुका है, अब हम चावल डालेंगे। देखिए चावल डाल दिए हैं। अब आप नमक टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो आप अभी डाल सकते हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, पकने के बाद बिल्कुल ठीक रहेगा। अखनी पकाते हुए अगर आपका पानी 3 कप रह गया है और आपको डालने हैं 6 कप, तो 3 कप तो वो डाल दीजिए आप अखनी का पानी, और 3 कप अलग से डाल दें। अब हम इसका लिड लगाकर 2 सीटी लगा लेंगे। देखिए बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसमें जर्दे का कलर डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी में घोल कर डाल लें, उससे शो बन जाती है। इसे आप शामी कबाब के साथ खाइए। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।